दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS अकेडमी 29 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एवरी ईयर 5000 प्लस सिलेक्शंस इन IAS IFS IPS एंड अदर सिविल सर्विसेज सो फार फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट 7303763540। जोगिंदर नगर के छात्र सौरभ कुमार द्वारा तैयार किया गया थर्ड आई मॉडल दृष्टिबाधित लोगों के लिए सहायक होगा। किसी घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके या बचपन से आंखों की रोशनी न होने की समस्या थर्ड आई से हल हो सकती है। इतना ही नहीं, मॉडल में बताया गया कि थर्ड आई से कान से बहरे और लाठी के सहारे चलने वाले लोगों को भी फायदा होगा। कुछ ऐसे विचारों को मॉडल के माध्यम से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला जोगिंदर नगर के छात्र सौरभ कुमार ने तैयार किया है। उन्होंने बताया, अंधे आदमी के सामने कोई भी वस्तु आएगी तो इंस्ट्रूमेंट में लगे ऑब्जेक्ट में सिग्नल चला जाएगा, जो अंधे आदमी को आगे ना जाने के लिए सतर्क कर देगा। उन्होंने बताया कि अंधे लोग थर्ड आई का उपयोग अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। छात्र ने बताया, थर्ड आई मॉडल को तैयार करने में स्कूल के शिक्षक पंकज कुमार ने उनका मार्गदर्शन किया है। मेरा नाम सौरभ है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज गंगानगर से यहाँ पर साइंस क्विज के लिए नॉर्मल लिया हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ये स्पेशली इसका नाम जो है ये है थर्ड आई, और इसका यूज जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपने डेली रूटीन के लिए जो आम लोगों की तरह कर सकते हैं। ये तो बेसिकली एक आइडिया है जिससे आगे चलकर ये थोड़ा और डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो यूज है वो कैसे होता है आपको बताता हूँ। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है कि जो आगे होने आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे वो सेंस करेगा और आपको पहले ही बता देगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ हमें एडिनो ओनो का वो लगा हुआ है जिसे हम इसका ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेसिंग और जो भी इसका जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ इस पे निर्भर करता है। ये इसका ब्रेन बोल सकते हैं हम इसको। फिर लास्ट में जो आउटपुट, जिसे पता कैसे लगेगा उसको कि ये क्या चीज़ है और आगे कुछ आया है तो इसे कैसे लगेगा पता, तो इसके लिए हमने एक बजर यूज़ किया है जिससे उसे आउटपुट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई पर्सन इसे पहनेगा, सामने कोई दीवार है तो उसे पता चल जाएगा कि सामने दीवार है, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।